Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. Jay, my bag. तुम्हारी problem क्या? Independent लड़कियों किसी भरोसा ही नहीं. India से बाहर जा रहे हो क्या भाग के? क्या कर रहे हो यार यंश? आराधना रुको मैं बात करता हूँ इससे. बहुत हो गया रियांश, शराफत का बहुत फायदा उठा के तुमने, अब और नहीं. आज क्या तोड़ेगा? मेरी गाड़ी, मेरा सर, मेरा चेहरा. तू कहाँ जा रहा है इसे लेकर? कोई सामान नहीं है वो, कि उसकी मर्जी के बगैर उसको कहीं भी ले जाऊं. मैं इसे कहीं लेके जाने नहीं दूंगा. मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हो तुम मुझे. चैलेंज मत कर आराधना, सटक जाएगी. कुछ और बचा नहीं है अब सटकने के लिए. प्रियांश हट जा, काम के बीच में मत आ. कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तू रोके और मैं ना रुकूं. मैं तो चाहता यही हूं कि तू पीठ दिखाकर भाग मत, सामना कर. सामने से तू आराधना को लेकर जाके दिखा. तुम जैसे लड़कों को होश ही नहीं है प्रियांश. ये 2023 है, यहाँ पे लड़कियों को ले जाके किसी को दिखाने की ना जरूरत नहीं है. मैं अपनी मर्जी से अपने बलबूते पे जहां जाना चाहूं जा सकती हूं रियांश. इसलिए तुम्हें जो करना है ना तुम करो. रियांश क्या कर रहे है पागल? क्या क्या ये? हाँ? You fool! इतनी important meeting थी मेरी सिंगापुर में. अब कैसे जाऊंगा? पासपोर्ट फाड़ दिया मेरा. अच्छा, तुम लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे सिंगापुर? मैं सब जानता हूँ मिस्टर जय कि तुम दोनों कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, सब पता है मुझे. शादी करने जा रहे थे ना? हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रियांश? हम मीडिया हब जा रहे थे. रियांश एक वक्त था जब तुम्हें बिजनेस और उसकी फील्ड के बारे में ना सारी खबर रहती थी, लेकिन अब ये जो गुंडापन छाया है ना तुम पे, तुम सब कुछ भूल गए हो रियांश. तुम ये तक भूल गए हो कि तुम रिपोर्टर हो, किसी को काम तक करने नहीं देना चाहते तुम. अच्छा, तुम दोनों शादी करने नहीं जा रहे थे? आराधना, मैं जानता हूँ मैं सटका हूँ, सर फिरा हूँ, बट तुम इससे शादी करने जा रहे थे क्यों? अरे उससे क्या बात कर रहे हो? तू बता ना, हाँ शादी करो तुम दोनों. मीडिया जा रहे शादी करने जा रहे हैं. वो क्या बोलेगा? मैं बोल रही हूँ हाँ शादी करने जा रहे हैं. झूठ बोल रही है तू. कोई शादी करने नहीं जा रही इसके साथ. तो जब जानते हो कि सच क्या है फिर क्यों तमाशा किया? ये क्या कर रहे हो? क्या बकवास लगा रखी है आज? आराधना नहीं जय, प्लीज मुझे बोलने दो. बहुत सवाल है ना तुम्हारे पास, तो पूछो पूछो. देती हूँ ना सारे जवाब. और कितने कागज फाड़ोगे रेयांश? क्या कर लोगे? और कितनी गाड़ियां फोड़ोगे? कितने घर जलाओगे रेयांश? बोलो क्या करोगे? और कितना नीचे गिरोगे रेयांश? करो. और क्या कर लोगे? ये सिर्फ मेरी, ये समझ में आ गया? बहुत हो गया रेयांश. ठीक है, गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो, पर तू दोनों गाल पे मार सकते. डोंट टेस्ट माई पेशेंस ना. ओके, गांधी जी ने यह भी कहा था कि झूठ मत बोलो. गांधी जी ने यह भी कहा था कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को छीनना मत. तू ये सब कर रहा है. शट अप यू इडियट, यू फूल. मेरा पासपोर्ट फाड़ दिया. तुझे पता है मैं इंडिया में नहीं रहता. अब कैसे करूंगा इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपनी? हाँ, ये जितना भी नुकसान हुआ इसे कौन भरेगा? तू भरेगा इसको? तेरी जो भी गलत फहमी है, जो भी दिल टूटा है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम. इसको खुद जाके हैंडल कर. और सुन, तुझे लगता है ना मैं गुड बॉय हूं, लेकिन एक बात भी जान ले, तेरी भाषा में भी समझाना आता है मुझे. आज के बाद इस ऑफिस में नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी. और जितना भी नुकसान तूने आज मेरा किया है ना, मेरे लॉयर्स तुझे उसका बिल भेज देंगे. तो तुम दोनों मीटिंग के लिए जा रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, राइट? अरे शादी करने जा रहे थे. वो क्या है ना, जय को पता नहीं था वहां जाके मंदिर में शादी करने वाले थे हम. आराधना, तू मेरी तरह सनकी होती जा रही है, झूठ बोलने भी सीख गई. और तुम सिर्फ बर्बादी करना जानते हो रे.
चलो आराम होगा। आराधना, 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 अरे अरे इतनी फास्ट गाड़ी क्यों चला रही हो यार? अरे आराधना क्या कर रही हो? मरवाओगी क्या? हाँ मरवाऊंगी, तुम्हें भी मरवाऊंगी और खुद भी मरूंगी, साथ में मरेंगे। अरे अरे पागल हो गई हो क्या यार? मैं मर मिटने का जमाना चला गया यार, अभी तो पूरी लाइफ जीना है मुझे तुम्हारे साथ। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी करने हैं, तक जीना मुझे यार। आराम से। हाथ मत करो, मैं गाड़ी के बाहर फेंक दूंगी। बहुत पागलपन है ना तुम्हें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें पागलपन क्या होता है। मेरे साथ जीना है ना तुम्हें, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए चलो साथ में मरते हैं। आराधना सामने ट्रक आ रहा है, तो कूद जा। व्हाट? मौका दे रही हो रियांश, जंप। मेरे बिना जीने का मौका दे रही हो रियांश, टेक इट, जंप। तेरे बिना जी के करना ही क्या, तू जा मैं वहां। अगर इस दुनिया में हम एक दूसरे के साथ नहीं जी सकते हैं तो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तू डिसाइड कर आराधना, मैं हर सूरत में तेरे साथ हूं। Get out. गाड़ी की रोक दी, जान देने को तैयार थी पर मेरी जान बचा ली। Get out, रियांश। सच मान ले आराधना, तुझे लगता है तो मुझसे नफरत करती है। कर ले नफरत, जी भर के कर ले, पर तू मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। उस डैड को बचाने के लिए तू पानी में कूदी थी, क्यों? क्योंकि तू और मैं भी एट द सेम, एक दूसरे के लिए बने हुए ना हो, एक दूसरे के बिना तो कुछ भी नहीं है हम दोनों। तुझे लगता है मैं तुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता हूँ? मैं तो कब से तेरा ही हूँ आराधना, शादी वादी सिर्फ बहाना है। जब तक तू है जब तक मैं हूं, हमारे बीच किसी भी तीसरे की जगह नहीं है। मान ले इस बात को, बात किसी तीसरे की है ही नहीं रियांश। मुझे तुम्हारे इस जुनून जिसे तुम मोहब्बत समझते हो वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुम ठीक कहते हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं बस तुम्हें अपने जहन से निकाल देना चाहती हूँ रियांश, मुझे छोड़ दो तुम। ठीक है, बस एक बार, एक डिनर, एक शाम, उसके बाद जो तू बोलेगी वही करेंगे। ठीक है, पर तुम मेरे मम्मा पापा को परेशान मत करना और जय को भी। अगर तू पास है तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी, बस एक बार, बस एक शाम। मैं उस एक शाम में अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।